So, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आरएसएस फीड को यूज कर सकते हैं। आरएसएस फीड की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। आरएसएस फीड को हम बेसिकली किसी दूसरे वेबसाइट के डेटा को अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। सो आरएसएस फीड एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी और वेबसाइट के डेटा को अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करा सकते हैं, बशर्ते जिस वेबसाइट के डेटा को हम अपने वेबसाइट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं उस वेबसाइट ने आरएसएस फीड का यूआरएल हमें दिया है, यानी उस वेबसाइट ने अपने डेटा को किसी और वेबसाइट में डिस्प्ले कराने की प्रिविलेज हमें दिया है। बेसिकली हम लोग दो स्टेप में इस चीज को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो दो स्टेप्स क्या-क्या है एंड कैसे हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के डेटा को आरएसएस फीड के थ्रू अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करा सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप, स्वागत करता हूं आपका रूपटेक ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। सो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आरएसएस फीड को यूज करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमें गूगल पे आके जिस वेबसाइट के डेटा को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उस वेबसाइट के आरएसएस फीड के यूआरएल को फाइंड आउट करना। सो फाइंड आउट करने का प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। हम आएंगे गूगल पे एंड सपोज हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में क्रिकेट के न्यूज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं या फिर बॉलीवुड के न्यूज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। सो अगर हमें बॉलीवुड के न्यूज को डिस्प्ले कराना होगा तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे बॉलीवुड मूवीज आरएसएस फीड। जैसे हम ये कीवर्ड देके सर्च करेंगे गूगल पे तो गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स हमें मिलेगी जो आरएसएस फीड के यूआरएल को प्रोवाइड करती है। हम इनमें से किसी भी वेबसाइट में जा सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर बॉलीवुड हंगामा में जाते हैं। सो यहाँ पर आने के बाद देखिए हमें बहुत सारा आरएसएस फीड मिल जाएगा। बॉलीवुड न्यूज़ का आरएसएस फीड है, फीचर्स एंड स्पेशल का आरएसएस फीड है, मूवी रिव्यू का आरएसएस फीड है। सो जिस भी आरएसएस फीड को आप यूज करना चाहते हैं सिंपली उस आरएसएस फीड के यूआरएल को आपको कॉपी करना है। एक बार आपने ये कॉपी कर लिया यहां पर आपका फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में आना है, यहां पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है और ये रहा हमारा वेबसाइट। आप अपने वेबसाइट में जहां पर भी इस आरएसएस फीड के थ्रू डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं उस जगह पे आपको आना है। जैसे हमने यहां पर एक ऑलरेडी पेज बनाया हुआ है न्यूज नाम का और इस न्यूज नाम के पेज में ही हम आरएसएस फीड के थ्रू डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। सो यहां पर हम क्या करेंगे, हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे एंड यहां से हम जाएंगे अपने ऑल पेजेस में। आप इसे सिर्फ पेज में नहीं बल्कि आप इसे किसी विजिट एरिया यानी राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार या फिर फुटर एरिया कहीं पर भी आप इसे डिस्प्ले करा सकते हैं। हम यहाँ पर न्यूज नाम का एक पेज ऑलरेडी मैंने बनाया है, इस पर डिस्प्ले कराएंगे सारे डेटा को। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूज को एडिट करेंगे एंड यहाँ पर देखिए हमें एक ब्लॉक ऐड करने का ऑप्शन आएगा। सो यहाँ से हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे जो है आरएसएस। वर्डप्रेस में आरएसएस फीड का ब्लॉक हमें मिल जाता है जिसके थ्रू हम आरएसएस फीड के यूआरएल को यूज कर सकते हैं। बट वर्डप्रेस में जो ये ब्लॉक दिया गया है इसमें कुछ लिमिटेशन है, ज्यादा कुछ फीचर हमें यहाँ पर नहीं मिलता है बट हम आरएसएस फीड के यूआरएल को यूज कर सकते हैं इस ब्लॉक के थ्रू। आगे आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे कि प्लगइन के थ्रू हम आरएसएस फीड को कैसे यूज करते हैं। प्लगइन के थ्रू जब हम आरएसएस फीड के डेटा को फैच करते हैं तो यहां पर हमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाता है जिसके थ्रू हम और भी अच्छे तरीके से अपने आरएसएस फीड को कस्टमाइज कर सकते हैं। बट आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस में जो डिफॉल्ट हमें ब्लॉक मिलता है आरएसएस फीड का उसके थ्रू कैसे हम आरएसएस फीड के डेटा को फैच करते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहां पर आरएसएस फीड के ब्लॉक को लेंगे एंड यहां पर जो यूआरएल हमने कॉपी किया था आरएसएस फीड का उसे यहां पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें यहां पर यूज यूआरएल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहां पर देखिए डेटा फैच हो गई। अभी यहां पर देखिए जो राइट साइड में आपको कुछ और भी सेटिंग्स मिल रहा है इस आरएसएस फीड का, यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स 5 है बाय डिफॉल्ट। आप अगर इस नंबर आइटम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं। जैसे यहां पर 5 था तो 5 आइटम्स यहां पर डिस्प्ले हो रही थी, हमने यहां पर अभी 20 कर दिया तो 20 आरएसएस फीड के थ्रू डेटा फैच हो रही है। अब यहाँ पर नीचे में मिलती है ऑथर नेम, अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप डेट डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं तो यहाँ पर इस पोस्ट के डेट भी डिस्प्ले होंगे। नीचे आपको मिलेगी डिस्प्ले एक्सेप्ट, अगर आप एक्सेप्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप इसे भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं जिससे इस पर्टिकुलर पोस्ट के एक्सेप्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब एक्सेप्ट अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट के कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसे भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन हमें और मिलती है, अगर आप आरएसएस फीड के थ्रू जो भी डेटा फैच कर रहे हैं उसे अगर लिस्ट व्यू में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप लिस्ट व्यू में डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कराना तो आप यहाँ पर इसे ग्रिड व्यू में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अब अगर आप ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप कितना सेट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो कॉलम्स है तो दो कॉलम्स में डेटा डिस्प्ले हो रही है, अगर हम इसे यहाँ से बढ़ाएंगे, अगर हम तीन कॉलम करेंगे तो तीन कॉलम में यहाँ पर डेटा डिस्प्ले होगी। अब देखिए जैसे आप आरएसएस फीड के थ्रू डेटा को डिस्प्ले करा लिए, हम इसे कर देते हैं अभी लिस्ट व्यू।
उसके बाद फिर आप यहाँ पे जैसे ही पेज को अपडेट करेंगे एंड अपडेट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट में जाके इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आरएसएस फीड के थ्रू जो भी डेटा है वो डेटा फैच होगी एंड वो डेटा आपके वेबसाइट में डिस्प्ले होगी। लेकिन ये जो डेटा है ये डेटा हमारा डेटा नहीं है, जिस वेबसाइट का आरएसएस फीड आपने यूज़ किया है उस वेबसाइट का डेटा है। अगर कोई यूज़र आपके वेबसाइट में आके किसी न्यूज़ पर अगर क्लिक करता है, जैसे ये हमारा वेबसाइट है, अगर कोई भी यूज़र आके किसी भी न्यूज़ पर क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जिस वेबसाइट के डेटा को आप आरएसएस फीड के थ्रू अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करा रहे हैं। यहां पर यूजर आके उस पर्टिकुलर पोस्ट को रीड कर सकता है। सो इस तरह से दोस्तों हम वर्डप्रेस में आरएसएस फीड के थ्रू डेटा को डिस्प्ले कराते हैं एंड आरएसएस फीड को यूज करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।